नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नेपाल के प्रधानमंत्री जो कि चीन की उंगलियों पर पूरी तरह से नाच रहे हैं, उनके इशारों पर लगातार अपने काम करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर चाहे वो रोड कनेक्टिविटी को लेकर हो, चाहे भारत के खिलाफ बयानबाजी की बात हो, लगातार हम देख रहे हैं कि कैसे जो है उत्तराखंड का जो हिस्सा है, जो पिथौरागढ़ का हिस्सा नेपाल से लगता है, वहां पर चीन के कहने पर नेपाल ने लगातार रोड का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। पहले क्या होता था कि अगर नेपाल में रोड टूट जाए तो नेपाल के लोग जो हैं वो आने जाने के लिए जो भारत की तरफ से सड़कें बनी हुई है उनका इस्तेमाल कर लेते थे। इस बार नेपाल ने क्या किया कि उन सड़कों का इस्तेमाल ना करने की सलाह देते हुए अपने लोगों से कहा कि हम रोड बना रहे हैं। इसकी प्रमुख वजह क्या है? चीन दरअसल इसकी प्रमुख वजह है। लेकिन आज बात उस भ्रष्टाचार आरोप की, जो भ्रष्टाचार का आरोप अब इन दोनों पर लग गया। किन दोनों पर? एक तो केपी शर्मा ओली है और निश्चित तौर पर जो दूसरा नाम है वो पार्टी अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड का है। तो एक तरफ केपी शर्मा ओली और दूसरी तरफ प्रचंड, इन पर अब जो घूस के आरोप लगे हैं, घूस लेने के आरोप लगे हैं, 9 अरब रुपए के घूस लेने के आरोप लगे हैं। ये एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जिसको लेकर के बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। नेपाल की अगर आप पूरी की पूरी डेमोग्राफी को समझें तो उस लिहाज से बहुत ज़्यादा क्रूशल प्रोजेक्ट है। और ऐसे में अब जो है वो विपक्षी पार्टी के नेता ने इन पर आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर के अभी तक कुछ हमारे पास जो अभी तक इनिशियल रिपोर्ट्स आई हैं उसमें ऐसा कोई बयान सामने निकल कर नहीं आ रहा है जिसमें केपी शर्मा ओली इसके खिलाफ कुछ बोलते हुए नजर आए हों। चीनी कंपनी से ये जो बूढ़ी गंडकी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए, और दरअसल इसके पीछे कौन सी कंपनी है, ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चलाने वाली कंपनी है ये चीन की कंपनी है, जो बूढ़ी गंडकी का ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है, गंडकी जो नदी है निश्चित तौर पर वहाँ पर, उस पर जो है वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है तैयार होना था। लेकिन उस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के तैयार होने को लेकर जो इन्वेस्टमेंट निकल कर आया था, जो कंपनी को पैसा देना था, उसमें घूस की बातें सामने निकल कर आ रही हैं। यानी कंपनी चुनी होगी केपी शर्मा ओली और प्रचंड ने कि भाई इस फलानी कंपनी को हमें ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट देना है, और क्योंकि उस कंपनी का नाम आपने ले लिया, उसकी सिफारिश आपने दे ली, भाई प्रधानमंत्री अगर किसी कंपनी का नाम ले ले तो फिर कौन मना करेगा, और फिर पार्टी अध्यक्ष प्रचंड भी उसका समर्थन कर दें, मतलब दोनों के बीच सांठगांठ हुई होगी और 4:30-4:30 में सौदा हुआ होगा, ऐसा हम अनुमान लगा रहे हैं, हम दावा नहीं कर रहे। जो रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि भाई सेटिंग हुई होगी पूरी की पूरी कि भाई ये कंपनी है और इस कंपनी का नाम अगर आप दे दो तो 9 अरब रुपए की घूस जो है वो मिल जाएगी, और यही जो है वो नेपाल के विपक्षी नेता की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। तो ये जो आरोप लगाया जा रहा है इसमें पूरी का पूरा ये जो खेल है इसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं वो केपी शर्मा ओली, जो चीन के इशारों पर लगातार नाच रहे थे और भारत के खिलाफ बयानबाजी दे रहे थे, कभी राम मंदिर को लेकर, कभी प्रभु श्री राम को लेकर, और इसके अलावा कई बार तो उन्होंने ये भी कहा कि अयोध्या जो असली वाली है वो नेपाल में है, भारत में तो है ही नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर के वो विवादों में रहे। इसके बाद उन्होंने अपनी इमेज सुधारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर फोन भी किया और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी कही, लेकिन दूसरी तरफ ये वाला व्यवहार जो हम लगातार आपको बता रहे हैं ये भी सामने निकल कर आया था। और इसके साथ साथ केपी शर्मा ओली दरअसल वो शख्स जो ये भूल गए कि भारत ने परिस्थितियां कोई भी हो नेपाल की मदद की है, फ्री में हम लोगों ने वैक्सीन भिजवाई थी वहां पे, ये केपी शर्मा ओली भूल जाते हैं। हमने कैसे लगातार फ्लड्स के टाइम पे 2014-15 के दौर में कैसे हमने मदद के हाथ आगे बढ़ाए थे और लगातार भारत से सेवाएं वहां पर पहुंची थी, फिर चाहे वो सेना के रूप में हो, खाने पीने के रूप में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की हो या डोनेशन के फॉर्म में हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ आगे बढ़ाए थे। लेकिन अब केपी शर्मा ओली सिर्फ अपने निजी हित के लिए, नेपाल की बर्बादी के लिए चीन से हाथ मिला रहे हैं, और चीन की मानसिकता क्या रही है, अतिक्रमण चीन कैसे करता है, ऐसे ही करता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।